मंदिर के पुजारी पर हमले के मामले में गोंडा पुलिस की सक्रियता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अमर सिंह के आगे गोंडा पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं। 7 दिन बाद भी अमर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इटिया थोक का हिस्ट्री शीटर है अमर सिंह, जिस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अमर सिंह पर करीब 32 मुकदमे दर्ज है। तेरे मनोरमा में दहशत का लगातार माहौल है। हिस्ट्री शीटर के डर से मंदिर भी महंत नहीं आ रहे हैं। मंदिर सुरक्षा में पुलिस और पीएसी तैनात है। महंत और पुजारी को भी सुरक्षा दे दी गई है। घायल पुजारी 7 दिन से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस अभी तक भूमाफिया अमर सिंह तक नहीं पहुंच पाई। तो गोंडा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चल में ना तो जिला प्रशासन ना प्रदेश सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं कर रही है, जिस कारण की हालत थोड़ा गंभीर चल रही है। देखिए, आज घटना को 7 दिन हो रहे हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में एक हिस्ट्री सीटर जिला बदल अपराधी कुख्यात हाथ पे नहीं आ रहा है, क्या कारण है? गोंडा में ना तो अपराध रुकने का नाम ले रहे हैं, ना ही अपराधियों पर किसी तरह की कार्रवाई हो रही है। हम इस समय मौजूद हैं तिर्रे मनोरमा के उसी मंदिर में, जहां आज से ठीक 7 दिन पहले जो इस मंदिर के पुजारी हैं सम्राट दास, उन पर गोली चलाई गई थी, उनको गोली मारी गई थी। और जिस अपराधी अमर सिंह ने उन पर गोली चलाई थी, उसको पुलिस 7 दिन बीतने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अमर सिंह पर टोटल 32 मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद इसके पुलिस की गिरफ्तारी उसके लिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। राम जानकी मंदिर के नाम से उस मंदिर के ट्रस्ट में तकरीबन 150 बीघे जमीन है, जिस 150 बीघे जमीन पर माफिया अमर सिंह की नजर है। 32 मुकदमे होने के बावजूद अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसमें से अकेले 22 मुकदमे जो हैं वो इटिया तोक थाने में दर्ज हैं। पुलिस उसकी मदद कर रही है या उसको बचा रही है या उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इसमें पुलिस की भूमिका देखने को मिली, उससे साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा आका है जो अमर सिंह को संरक्षण दे रहा है, अमर सिंह की गिरफ्तारी होने से बचा रहा है। देखना होगा कि गोंडा में क्या कोई ऐसी कार्रवाई होती है, क्या अमर सिंह की गिरफ्तारी होती है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। बढ़ते आगे फरुखाबाद से अगली खबर है।